हेलो एवरीवन, प्रणाम। पहला आप सभी को कैसे हैं? आप सब लोग आए हो, आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ब्लॉग मैं 12:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो तो ये लोग सब कार में मेरा वेट कर रहे हैं और आज माँ का सब बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है। आप देख सकते हो, माँ ने आज सब मैचिंग मैचिंग पहना हुआ है। ये देखो नीचे से ऊपर, और तो और क्लेचर भी माँ का मैचिंग है। आज आने वाला है बहुत मजा। आई डोंट नो आज क्या क्या करेंगे हम, मुझे खुद नहीं पता है। बाकी मामा और ये हमारा वेट कर रही है, कहीं गए थे। मामा, आजकल आपने कोई गर्लफ्रेंड पटा ली क्या? आजकल बहुत कम दिखते हो, क्या बात है? परसों जब तुम्हारा कॉल आया ना, उससे 2 सेकंड पहले इसने तुम्हारा नाम लिया था। यार कॉल करती हूँ मैं, कहाँ है तो आए दिख ही नहीं रहे, ऐसे करके ठक कॉल आ गया तुम्हारा। मैंने बोला अभी नहीं मरते हैं हम, तो मार के भी नहीं मरेंगे। उद्यान अनुभाग गार्डन सेक्शन, हाँ यही है नर्सरी। हम पहुंच तो गए थे पर यहाँ की नर्सरी बंद है, क्योंकि अभी शायद वो टाइमिंग का कुछ इश्यू, लंच टाइम चल रहा है तो 2 बजे खुलेगी। अब हम जा रहे हैं हल्दी दूसरी नर्सरी। ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि हल्दी में भी एक नर्सरी है तो हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और बाकी जो हम अभी पंत नगर यूनिवर्सिटी में हैं, ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही लंबी फैली हुई है। एक जगह इसका गेट है और दूसरा गेट तो बहुत दूर है। और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये गवर्नमेंट स्कूल है। इसका एक गेट नगला में है और दूसरा गेट रुद्रपुर में है, इतनी बड़ी फैली हुई है। और यहाँ हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी के अंदर, और शॉपिंग के लिए मॉल्स हैं, जो जो चाहिए मतलब सब है इसके अंदर। मॉल नहीं, स्टोर्स है। हाँ मतलब शॉपिंग स्टोर्स हैं थोड़े छोटे छोटे। ये है यहाँ का सेकंड गेट। हमने कितने चक्कर लगा दिए, इधर उधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हमको गेट ही नहीं मिल रहे। पता नहीं वो कहाँ से है गेट। इसी रोड में कितने चक्कर लगा दिए हमने। ये है पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं रास्ते में, यहाँ मिला। बता आखिरकार पहुंचे गए। मामा ये खोल तो दो। खोला है ना। बाप रे चीची, ये भगवान। हम पहुंच गए हैं ये क्या बोलते हैं इसको, मिनी से मिनी, उसमें क्या है ये, क्या है ये, नर्सरी, नर्सरी में। हाँ यार यहाँ बांस लगे हैं, देख सब बांस का जंगल है यहाँ, छोटा छोटा वाला। छोटा है ये, इसको बैम्बो बोलते हैं। इसकी कड़ी भी बनती है, अचार भी बनते हैं, हमने अचार खाया था परसों। सब्जी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, पता है मामा आपको? अचार बनता है तो सब्जी बनती है। अचार बनता है इसका, सब्जी भी। मैंने भी खाया था। कहाँ? तुम्हारे साथ। अच्छा याद ही नहीं हमको, बताओ। इलाका तो अच्छा है यार, देखो इतना ही है उधर को पूरा है। अरे चल क्यों रो, फिर रुक जाओ। नहीं फोटो खींचनी है आपको। हाँ फोटो चलते हुए, फोटो चलते हुए थोड़ा ना। अरे चलते रहोगे तो फोटो कैसे खींचेगी? अरे वो क्रैक क्या बोलते हैं, कैंडिड पिक्चर भाई। बन गई रील्स वील्स हमारी। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाओ। ये दोनों हो गए पागल। पर्यावरण बचाओगे तो पेड़ भी बचेंगे। तुम्हें भी उड़ा देंगे। ये तो मेरे बराबर का ही पेड़ है यार। तेरे बराबर का है, जरा हाइट देख। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी छोटी नर्सरी है, तो हम अब बड़ी वाली नर्सरी में जाएंगे जो वहाँ पे बंद था। वहीं पे मिलते हैं आपसे, क्या क्या है वहाँ पे देखते हैं। मुझे छोड़ दिया रे इन्होंने। अरे खोलो ना, अरे जम मत करो। मैं जो आगे बंद था वो अभी खुल गया है, क्योंकि वो 2 बजे की टाइमिंग में खुलता है, तो हम पहुंच गए वहाँ। चलो बिना मिस किए हुए मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, यहाँ की एंट्री भी दिखाई देगी। पहले
रुपया यहाँ फूल ना तोड़े। ये सारे गुलाब हैं जितने भी इस एरिया में है। बरगद का पेड़ यहाँ पे, यहाँ चारों ओर बहुत अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया है कमल के लिए, कमल खिलने वाले हैं कुछ दिनों में। ये बहुत बड़ा एरिया है, हम तो सिर्फ अभी इंडोर्स देख रहे हैं, तो ये रेड वाला भी नहीं है ना, इंडोर्स वाले में ही है। बाकी हमने दो इंडोर दो मतलब अंदर के लिए पौधे ले लिए हैं अपने लिए, अभी दिखाऊंगी आपको मैं। मेरे को तो ऐसी जगहों में और कुछ नहीं होता, मेरा ध्यान होता है सिर्फ सांप पे, कहीं सांप तो नहीं आएगा यहाँ। माँ अभी पौधे छांटने में व्यस्त है, हमको तो क्या पता हम गवा रही हुए। वो देखो माँ हेलो कर रही है सबको पौधे छांटते, हमको क्या पता हरा दिख रहा है, कोई खूबसूरत सा दिखेगा वही हाँ बोलेंगे। पर माँ थोड़ा बहुत जानती है ना, तो वही छोट रही। अरे बताओ पौधे भी पीछे से खींच रहे हैं मुझे। गमला कितने का दे रहा है गमले वाला? 7 एकड़ में फैली है ये जितनी भी नर्सरी है पूरी। अब हम बेचारे कहाँ चक जाएंगे 7 एकड़ में। ये देखो फ्रॉक वाला पेड़, नीचे से फ्रॉक पहना है इसने। चलो एक मेरी पहचान का मिला है, बताऊँ क्या, ये केले का पौधा। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है मेरी पहचान का। इसका नाम क्या है? ये तुलसी है ना? इसका सुलिंग। सुलिंग? ये है सुलिंग का पेड़, अब इसके बारे में अंकल बताएंगे। ये शुगर वाला है, खाने में भी अच्छा लग रहा है, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। और सवेरे मुंह धोकर इसको एक पत्ता रोजाना खाओ, शुगर कम रहेगी। तो ये लेके जा रहे हैं हम भी लगाएंगे, फिर सुबह शाम खाएंगे। और ये है ब्लड शुगर का पेड़। ये गुड मार्क है, ये शुगर के लिए नीम से खाने से है ना, नीम से भी कड़वा है, नीम से भी कड़वा। इसका एक दो पत्ती खाना है रोज रोज दो पत्ती। अगर आपने 15 दिन खा लिया ना तो शुगर दम आपके 0 पा जाए। ये डोंगा बना हुआ, या ये ऑटोमेटिक बने हुए हैं, डोंगे बने हुए। ये डोंगे ये देखो ये ऑटोमेटिक के बने हुए हैं। ये माना जाता है कि कृष्ण ने इसमें एक बार दूध पिया था। हाँ, इसी बरगद के दूध, ऐसे नहीं दूध तोड़ के पीते हैं। इसी तो का यही दूध, ये इसी दूध को पिए। अच्छा इसी का दूध? हाँ ये बरगद का दूध, इसको तोड़ के जो सफेद लिक्विड निकलता है ये सब ऐसे बनते चला जाएगा, ऑटोमेटिक बनता है, ऑटोमेटिक ही बनता है, कोई नहीं बना रहा। कृष्ण बरगद इसका नाम, इसका नाम है कृष्ण बरगद। थैंक यू अंकल, थैंक यू हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम आते हैं जल्दी मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे। और इनके नाम है अकबर और किस्मत। देखो और यहाँ पे इतनी अच्छी जन्माष्टमी मनाते हैं ये मुस्लिम है ये लोग, पर ये लोग बोलते हैं कि सब कुछ हमारे वही कृष्ण भगवान है, खास काम कितनी सिद्ध। और रहते वो उधर हैं जनकपुरी में। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, इन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी। हम पहुंच के घर ठीक टाइम पे पहुंचे, मतलब हम सिर्फ नर्सरी के काम से गए थे। ये मैं हूँ, ये हमारे पौधे हैं और हम पौधों को ठिकाने लगा रहे। माँ के दगड़वा आए हैं, मेरे दोस्त हैं ये दोनों। आज माँ ने अपने दोस्तों को टी पार्टी में बुलाया है, छोटी किटी पार्टी है। ये हैं पहली अम्मा। अरे बाहर भी तो निकालो, चिपका रहे हो मुंह में डाल। ये ये है दूसरी अम्मा। दूसरी अम्मा कैसे करेंगे? अम्मा का देखो आओ कैसे लगे कमेंट करना। हाँ अम्मा के दोस्त लोग कैसे लगे? और फ्लाइंग किस का जवाब देना सब। ऐसी मत छोड़ना अम्मा लोगों की फ्लाइंग किस। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ आज की किटी पार्टी टीम के साथ। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय अम्मा, बाय कर दो। बाय बाय बाय।